नमस्ते सस्त्रीकाल सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जी क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो क्या है मन में उनके जो नहीं कह पा रहे हैं, जो आपसे कहना चाहते हैं जो कहते कहते रुक जाते हैं और आप सुनने के इंतज़ार में ही हो। हम यही चेक करेंगे आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब उस टाइम के लिए आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, चाहे 6 महीने बाद आए, 10 महीने बाद आए या फिर 1 साल बाद आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये जरूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखे, गाइडेंस को फॉलो करे ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैम प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर्स आज के दिन क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर्स। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी। वन टाइम प्लीज। ग्रोथ, मिराकल, vanity, creation, आपकी एनर्जी जो क्रिएट करने वाली सारी एनर्जी आपकी होती है, ठीक है। वर्कहोलिक एंड कॉम्प्लेंसी रिलीज। चलिए क्लैरिफाई करते हैं हम इसको। ग्रोथ की एनर्जी क्यों है डिवाइन? ओवरऑल इनकी जो लाइफ है ना, इनकी लाइफ की लाइफ में इनको ग्रोथ चाहिए, ठीक है। सो ग्रोथ चाहिए का मतलब ये है कि रिलेशनशिप में, अपने करियर में, हैप्पीनेस में, हर जगह इस इंसान को ग्रोथ चाहिए, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग चाहिए, ऐसी एनर्जी है। सो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, हम नहीं लेंगे। ये इंसान आपसे बहुत बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि समय का पहिया जो है वो ऐसा घूमे कि सब कुछ इनके फेवर में हो, ठीक है। ऐसे इनकी एनर्जी है। इनके बहुत सारे सपने हैं अपने लाइफ को लेके, आपके साथ भी हो सकते हैं या फिर अपने लाइफ को लेके भी हो सकते हैं इनके, ठीक है, बहुत सारे सपने। और इनको ऐसा लग रहा है कि देखिए इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है, इनकी एनर्जी एक लॉस की एनर्जी है, एक मिसिंग एनर्जी है। ये इंसान आपको मिस करते दिख रहे हैं मुझे, ये इंसान आप एक डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी में, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में है, जहाँ इनको खुशी नहीं है अंदर से। सो ये इंसान जो है ना, बहुत सारे इनके ख्वाहिश हैं, ख्वाब हैं, बहुत सारे विशेस हैं जिन जो ये पूरा करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं लाइफ का, एक ऐसा समय चाहते हैं जहाँ सब कुछ इनके फेवर में हो, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। सो ग्रोथ की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान जो है अपने खुशियों में, काम में, रिलेशनशिप में, आपके साथ, यू नो, इनको हर जगह खुशियाँ चाहिए अपनी जो कि ये नहीं फील कर रहे हैं। इनकी एनर्जी 5 ऑफ कप्स की है, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, लॉस की एनर्जी है, दुखी, लो वाइब्रेशन, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, आपको मिस करते दिख रहे हैं इंसान। सो इसलिए ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में एक खुशी आए, एक न्यू बिगनिंग हो इनकी लाइफ की, जहाँ की सब कुछ अच्छा हो, अच्छा और अच्छा ही हो, सब कुछ इनके फेवर में हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनके फीलिंग्स में मिराकल है, कुछ ना कुछ मिराकल ये चाह रहे हैं अपने फीलिंग्स में, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स के लिए लूँ क्या? देखिए इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, आपकी फीलिंग्स इनके लिए ख़त्म हो गई, इनको ऐसा लग रहा है, जहाँ ये हीलिंग चाहते हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि कुछ मिराकल ऐसा हो कि आपके दिल में फिर से इनके लिए फीलिंग्स आ जाएं, और यू नो, आप इनको आके एक प्रपोज़ल दे दो, आप इनको फिर से मनाने के लिए आ जाओ, या फिर एक इमोशनल प्रपोज़ल आप इनको दो, रोमांटिक प्रपोज़ल आप इनको दो, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब आपके साथ ये इंसान फ्यूचर देख रहे हैं जहाँ इनको हीलिंग चाहिए, एक रिबर्थ चाहिए। सो अगर आप लोग सेपरेट हैं अपने पार्टनर से, बहुत दिन हो गए, महीने हो गए हैं, और
या तो आप गए थे इनको मनाने के लिए और इन्होंने नहीं माना है और अब आप मूव ऑन कर रहे हो, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको नहीं चाहिए पार्टनर, या आप इनके पीछे इतना भाग नहीं रहे हो, इनको इतना चेज नहीं कर रहे हो, इनको मैसेज नहीं कर रहे हो, सो इनको ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी देखकर कि आपकी फीलिंग्स इनके लिए ख़त्म हो गई है। इनको यू नो फ्यूचर में इनके लाइफ में आप चाहिए, इनको हीलिंग चाहिए जो कि ख़त्म हो गया है, वो फिर से रिबर्थ हो, ये चाहते हैं। सो कैसे होगा, वो एक मिराकल होगा तब जाके वो होगा। अभी उनको लग रहा है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है आपके लाइफ में या फिर आपके दिल में फिर से इनके लिए प्यार आना, वो कोई मिराकल से कम नहीं होगा इनके लिए। सो इनको ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा मिराकल हो जाए जहाँ आपके दिल में फिर से इनके लिए फीलिंग्स आ जाए, वो इमोशंस आ जाएँ और आप फिर से एक बार आओ इनको मनाने के लिए, तो फिर आप दोनों का फ्यूचर जो है वो एक साथ होगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने फ्यूचर में आपको ज़रूर देख रहे हैं। और इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है, कि ये इंसान जो है शांति चाहते हैं अपने लाइफ में, यू नो एक कैसे कहूँ, लाइक एक तूफान जो है, तूफान के बाद की शांति, इनको शांति चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे मूव फेर लिया है और चीज़ें ख़त्म कर दी हैं अपने तरफ से, लेकिन इनको आपके मन में फिर से वो प्यार चाहिए। आपके मन में फिर से वो प्यार कैसे जगेगा, इनको लग रहा है मिराकल ही होगा कुछ जब आपके दिल में फिर से प्यार जगेगा इनके लिए, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। वैनिटी की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन, इंटेंशन में वैनिटी क्यों है यहाँ, इनको ऐसा लग रहा है आप अगर इनके लाइफ में आ गए ना तो इनको यू नो इनको बहुत प्राइड होगा ऐसा लग रहा है इनको, ठीक है, इनको बहुत घमंड होगा कि आप वापस इनके लाइफ में आ गए। अगर आप आ गए वापस इनके लाइफ में तो ये बहुत ज़्यादा यू नो घमंड कर पाएंगे उस बात पे कि यू नो आप अभी भी उनके लाइफ में हो, आप जैसे इंसान के लाइफ में हैं, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये आपको संभाल के रखना चाहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, इंटेंशन इनकी क्या है कि ये आपको संभालना चाहते हैं, बाकी के जैसे रिलेशनशिप इन्होंने संभाले हैं अपने लाइफ में, वैसे ही ये इंसान आपको भी संभाल के रखना चाहते हैं, लेकिन इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, इनको समझ नहीं आएगा, आप कितना भी इनके लिए कर लोगे ना इनको नहीं समझ में आएगा, रिसीविंग और गिविंग एनर्जी नहीं है इनकी। सो आप ज़िंदगी भर भी इस इंसान के लिए अगर एफर्ट्स लगा लोगे ना, इनको लगेगा आपने किया ही क्या है, यू नो बार बार आपसे एक पूछेंगे कि आपने किया ही किया, तुमने किया ही किया है, ठीक है। सो इनको कभी नहीं दिखेगा आपने क्या किया इनके लिए, क्योंकि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, लेकिन इनको इतना ज़रूर पता है कि आप जैसे इंसान, क्योंकि आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है, आपके बहुत एडमायर्स हो सकते हैं, तो इनको एक बहुत ब्राइट फील होगा अगर आप इनके लाइफ में रहोगे, ठीक है, कि आप जैसे इंसान इनके लाइफ में है, मतलब इनके लिए बहुत खुशनसीबी वाली वो बात है, बहुत प्राइड, बहुत घमंड की बात है, ठीक है। सो ऐसे ही इंसान घमंड दिखाना चाहते हैं, आप फिर से अगर इनके लाइफ में वापस आ जाओ तो, ठीक है, जो कि अभी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, घमंड उनका निकल गया मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करेंगे अगर आप इनके लाइफ में वापस आ गए तो, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको पता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है जिसके चलते रिश्ता ख़राब हो गया और आप जो है इनसे मुँह फेर लिए हो। सो ये इंसान चाहते हैं जितने भी अप डाउन्स होंगे आपको ये इंसान अपने लाइफ में संभाल के रखना चाहते हैं। ये जो एनर्जी है ये अप डाउन की एनर्जी है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मतलब अप डाउन जो होते हैं हमारे लाइफ में, क्योंकि चीज़ें कभी भी बैलेंस नहीं होती है ना, एक इंसान बहुत प्यार करने वाला होता है और एक इंसान हमेशा ही थोड़ा कम प्यार करने वाला होता है। सो ये अप डाउन जो भी होगा उसको ये इंसान संभालेंगे। सो फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी संभालने की भी एनर्जी है कि इंसान संभाल के रखना चाहते हैं अपने लाइफ में आपको, ठीक है, कोशिश ये ज़रूर करेंगे आपको संभाल के रखने की, लेकिन क्योंकि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो इनको वो एनर्जी रिसीव नहीं कर पाएंगे, या आप जितना भी एफर्ट्स लगा रहे हो, ये इतना से एफर्ट्स लगाएंगे ना तो इनको लगेगा इतना एफर्ट्स इन्होंने लगाया है, लेकिन आप जितना भी एफर्ट्स लगा लोगे इनको लगेगा आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है, इनको लगेगा हमेशा यही कर रहे हैं और इन्हीं के एफर्ट्स हैं, आपके एफर्ट्स इनको नहीं दिखेंगे। सो ये इंसान जो है चाहते हैं जितना भी अप एंड डाउन्स आप दोनों के लाइफ में हो, जितना भी लड़ाई झगड़ा जो भी हो, ये आपको संभाल के अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी फिज़िकल अपीयरेंस ऐसी है, आप ऐसे इंसान हो जो कि इनके लाइफ में रहोगे तो इनके लिए प्राइड की बात है, वो घमंड की बात है वो, अगर आप इनके लाइफ में रहोगे तो, ठीक है। इंटेंशन में मुझे वही लगा कि इंटेंशन में ऐसी एनर्जी क्यों है इसलिए है क्योंकि आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, आप ऐसे एक इंसान हो सकते हैं जिसके बहुत एडमायर्स हो सकते हैं, जिनको प्रपोजल की कमी नहीं हो सकती है, यू नो ये इंसान नहीं भी रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में प्यार की कमी हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपको प्यार नहीं कर सकते हैं और, ठीक है। सो इनको ये पता है कि आपका इनके लाइफ में रहना इनके लिए बहुत घमंड की बात है, ठीक है। सो एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट स्टार्ट ये ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, मुझे ये दिख रहा है इंटेंशन में, ठीक है। क्रिएशन की एनर्जी आपकी है तो ये इंसान चाहते हैं कि आप क्रिएट करें न्यू बिगनिंग, या फिर एक कॉल मैसेज जो भी है वो आप क्रिएट करें, आप जो है स्टार्ट करें, उसके बाद चीज़ें सही होंगी, इनको ऐसा लग रहा है। देखिए ये आपसे एक पार्टनरशिप चाह रहे हैं, ठीक है, एक पार्टनरशिप, एक
एक पॉजिटिविटी चाह रहे हैं। सो जो भी चाह रहे हैं ना वो आपसे चाह रहे हैं। आपके साथ ये इंसान एक बेबी चाहते हैं। अब ये एनर्जी कल भी मैंने देखी थी, आपके साथ ये इंसान एक बेबी चाह रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं अपने पर्सन से तो ये इंसान ये चाहते हैं कि सेपरेशन जैसे ख़त्म होगा आप बेबी प्लान करो ताकि आप दोनों और कनेक्टेड हो जाएं। सो क्रिएशन की एनर्जी है ना, कुछ नया क्रिएट करना। क्या नया क्रिएट करना? अपनी फैमिली ग्रो की तरफ ये इंसान ध्यान देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहते हैं ताकि आप दोनों बंध जाएं उस बेबी के साथ। ठीक है, तो एक बच्चा का आना मतलब आप दोनों का रिश्ता और स्ट्रांग हो जाना। जिनकी मैरिज हो गई है, अब जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो चाहते हैं, यू नो चाहते हैं, चाहने में क्या होता है, लोग कुछ भी चाहते हैं। सो वैसे ही इंसान चाहते हैं कि आप इनके बच्चे की माँ बने, या फिर अगर ये फीमेल हैं तो ये चाहते हैं कि आपके बच्चे की माँ बने ये, और आप लोगों की फैमिली हो। सो बच्चा फैमिली सब कुछ ही देख ले रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। सो आपसे एक पॉजिटिविटी, एक सक्सेस चाहते हैं ये इंसान। ठीक है, आप कुछ ऐसा करें कि सब कुछ सही हो जाए, ऐसी एनर्जी आपसे चाह रहे हैं। एक टीम वर्क चाह रहे हैं। टीम वर्क मतलब एफर्ट्स जो हैं वो दोनों की तरफ से हो, ये इंसान ये चाह रहे हैं। आपसे कुछ बिजनेस का प्रपोजल आपको दे सकते हैं, कोई फ्रेंडशिप का प्रपोजल स्टार्टिंग में दे सकते हैं, यू नो ऐसा कुछ जहां आप लोगों की बात एटलीस्ट शुरू हो और उसके बाद ये इंसान जो है आगे की बात आपसे करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो क्रिएशन की एनर्जी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं। आप कुछ ना कुछ इनिशिएट करें, या तो कॉल, मैसेज, या फिर कोई एफर्ट, कोई एक्शन आप इनके टूवर्ड्स लो। आप टीम वर्क करो, आप एफर्ट्स लगाओ, आप क्रिएट करो विश फुलफिलमेंट। मतलब आप इनके, अगर आपने कर दिया ऐसा तो इनकी विश फुलफिल हो जाएगी, इनकी जो इच्छा वो पूरी हो जाएगी। सो इनकी इच्छा को पूरी करना, एक ग्रोथ, एक सक्सेस, एक पॉजिटिविटी लेके आना, ये इंसान आप पे छोड़ रहे हैं वो। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। वर्कोहॉलिक की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो ये इंसान अपने प्यार को छुपा रहे हैं, रोक रहे हैं खुद को, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक रहे हैं। आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। एक कॉल मैसेज चाहते हैं और वो भी नहीं कर पा रहे हैं। सो ये इंसान पूरा का पूरा ध्यान जो है वो अपने काम पे दे रहे हैं ताकि आपसे इनका ध्यान थोड़ा सा हट पाए। ठीक है, प्यार और फीलिंग्स, यू नो इमोशंस हैं बहुत, लेकिन ये इंसान जो क्रिएट, जो एक एक्शन चाहते हैं ना वो आपसे चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई मिराकल हो जाए, आप खुद से वापस आ जाएं, आप एफर्ट्स लें, आप इनको मनाएं, आप कॉल मैसेज करें, आप एक्शन लें ताकि इनकी विश, इनकी इच्छा जो है पूरी हो जाए। आप इनके लाइफ में रहोगे तो इनको प्राइड, इनको बहुत घमंड होगा कि ऐसे इंसान मेरे लाइफ में है, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। सो यहाँ पर मुझे सब कुछ ऑब्स्टिकल दिख रहा है। ये इंसान अपने प्यार को इजहार करना चाहते हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स को बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि अपने प्यार को छुपाने वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होने के बाद भी ये इंसान मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। इनके एक्शंस देख के आपको समझ में आ जाएंगे कि ये इंसान प्यार करते हैं आपसे। इनके टच से, इनकी आंखों से आप समझ जाओगे कि इनके दिल में कितना प्यार है। मुंह से एक शब्द ये नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे भी तो ऐसे बोलेंगे जिससे कि आपको नहीं लगेगा ये इंसान प्यार करते हैं आपसे। सो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। बताना चाहते हैं, नहीं बता रहे हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्स्टिकल है। मूव ऑन करने की कोशिश की, नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्स्टिकल है। सॉरी बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, ऑब्स्टिकल है। सो ये सारी एनर्जीज़, इनको सब कुछ जो है वो इम्पॉसिबल दिख रहा है। बहुत काम कर रहे हैं ताकि आपके ऊपर से नज़र हटा सकें, आपके ऊपर से अपना फोकस हटा सकें, आपका ध्यान जो है, आपकी जो यादें इनको सता रही है उनसे ये इंसान निकल पाएँ, वो भी ये नहीं कर पा रहे हैं। सो सब कुछ इनके लिए ऑब्स्टिकल है। आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन वो भी ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो इनके लिए सब कुछ ऑब्स्टिकल है। काम पे फोकस नहीं हो रहा है, प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं इंसान, सब कुछ ऑब्स्टिकल है। इसलिए बैठ गए आराम से कि आप कीजिए। ओह माय गुडनेस, सिर्फ ग्रोथ चाहने से ग्रोथ कैसे मिलेगा अगर बिना एक्शन नहीं होगा? एक्शन के बिना कैसे मिलेगा ग्रोथ? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। कॉम्प्लेसेंसी की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन? आओ, डिफेंसिव हो रहे हैं तो कैसे होगा बताइए? ये अपने कंफर्ट जोन में है, मतलब ये कुकून में है, ये इंसान अंदर बैठे हैं, यू नो अपने कुप भवन में। इनको है कि रीयूनियन कोई आके कर ले, कुछ मिराकल हो जाए, यू नो डिवाइन कुछ ऐसा कर दें, बिजली कड़क जाए, आप इनके गोद में गिर जाओ। पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, बट इनकी एनर्जी ऐसी है, ये इंसान, इनको न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहिए, इनको आपसे न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहिए। ये चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, लेकिन शांत है, चुप है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर ईगो में हैं, प्राइड में हैं, तो वैसे ही हैं।
एक कंफर्ट जोन होता है ना कि हम अपने कुछ बिहेवियर्स को चेंज करके, अपने आप को चेंज करके, अपने सिचुएशन को चेंज करने के लिए कोई एक्शन हम लेते हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं, ये डिफेंसिव हो रहे हैं, ये अपने आप को हर्ट होने से बचा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास ये आए तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, जिससे ये बहुत हर्ट हो जाएंगे और ये संभाल नहीं पाएंगे उस एनर्जी को। सो इसलिए ये चाहते हैं कि आप आएँ। आप अगर आएंगे तो ये जो इंसान है उसके बाद एफर्ट्स लेंगे, ठीक है। आपके आने के बाद आप कॉल मैसेज कर लो, आप रीयूनियन कर लो, आप उसके बाद ये एफर्ट्स लेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे इंसान। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। रीयूनियन इनको ज़रूर से चाहिए, लेकिन ये इंसान जो है ना, मतलब जो डिफ़िकल्टीज़ है ना उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं। एक्शन लेना है और चीज़ों को सही करना है, बट वो ये नहीं कर रहे हैं। मिराकल हो जाए, बिजली कड़क जाए, है ना, कुछ ऐसा धरती फट जाए और आप धरती से निकल जाओ, मतलब क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी ही आज की, ठीक है, ये बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन आपसे चाह रहे हैं कि आप आएँ और एक्शन लें, आप करें, या फिर आप नहीं अगर कर रहे हैं, आपके दिल में अगर नहीं कुछ हो रहा, तो डिवाइन ऐसा कुछ मिराकल करे जिससे कि आपके दिल में कोई फीलिंग्स फिर से इनके लिए जागृत हो और आप एक्शन लें, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको रिलीज़ कर दिया है, आपने इनको छोड़ दिया है, क्योंकि आपकी एनर्जी, ये इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल देख रहे हैं, आपकी एनर्जी ऐसी देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत सेंसुअल दिख रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, और इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ में अगर रहेंगे तो इनके लिए वो घमंड की बात है, प्राइड की बात है। ब्यूटीफुल, सोच तो बहुत अच्छी है लेकिन एक्शन नहीं है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, ये क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज गाइड डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। सो कुछ लोग ये कहते हैं कि जोडियक साइंस बताया कीजिए। देखिए इतने कार्ड्स निकल रहे हैं ना, तो सारे जोडियक साइंस आ जाएंगे उसमें, ठीक है। ऑल साइंस रीडिंग आप समझ लें, क्योंकि यहाँ वॉन्स की एनर्जी है, यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, सब कुछ यहाँ है, ठीक है। सो आप ऑल साइंस रीडिंग ही इसको समझे, आप ट्रस्ट, इनको ट्रस्ट है कि कभी ना कभी चीज़ें सही होंगी, यू नो, आप आओगे वापस। स्पिरिट गाइड्स, अगेन वही एनर्जी, कोई ऐसा कुछ कर दे, कोई मिराकल हो जाए, कोई वॉन्ड घुमा दे, कोई चमत्कार हो जाए, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। करेज, करेज नहीं है इस इंसान की, ये करेज की कमी है इनको, ठीक है। कॉन्फिडेंस, बट कॉन्फिडेंस है इनको कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप आओगे, इनको ये कॉन्फिडेंस है कि आप आओगे, आप सही करोगे चीज़ों को। बाउंड्रीज, ये ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको, इनको लग रहा है कि आपने एक बाउंड्री सेट कर दी है और आप नहीं चाहते कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, या फिर आप उस नेगेटिव एनर्जी में फिर से वापस नहीं जाना चाहते हो। प्रोटेक्शन, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोटेक्ट कर दे इस रिश्ते को। अगेन एक मिराकल की एनर्जी, एक चमत्कार की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, कि इंसान चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और सारी चीज़ें आप दोनों के बीच सही हो जाए, ये यही चाह रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी ही दिख रही है इस इंसान की। सो थोड़े से मैसेजेस हम देख लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं इंसान, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन ये। एक मिनट, कार्ड्स थोड़े टेढ़े मेढ़े से हैं। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने नहीं लेंगे हम। टाइम प्लीज। ओहो, ये इंसान बहुत बात तो करना चाहते हैं। इट वॉज ऑलवेज यू, तो ये आप जो हैं वो यू नो आप ही हैं इनके दिल में, यही कहना चाहते हैं। आई लव यू वेरी मच की एनर्जी यहाँ पे है। यू आर नॉट माई नंबर वन, यू आर माई ओनली वन। सो जो भी है इनके लाइफ में, इनका कहना ये है कि यू नो आप नंबर वन नहीं, आप ही आप हैं इनके लाइफ में, ये ऐसा कहना चाहते हैं आपको। I promise I will love you, protect you and take care of you all the life. ये आपको अब हमेशा संभाल के रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन वो आप जब जाओगे तब, आप एक्शन लोगे तब। कडलिंग विथ यू वुड बी परफेक्ट राइट नाउ। यू नो आपको कडल करना
कर्लिंग करना आपके साथ परफेक्ट होगा, परफेक्ट टाइम होगा, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखिए ये चाहते तो हैं कि आप आओ, लेकिन आप जाइएगा मत। ठीक है, आपको जाना नहीं है, ये चाहते हैं तो है। आप चले जाओगे तो फिर आपको ही जाना पड़ेगा हर बार। आई एम लकी, आई एम इन लव विथ माई बेस्ट फ्रेंड। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि क्लासमेट्स हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंडशिप हो सकता है आप दोनों के बीच, और उसके बाद आप लव रिलेशनशिप में आए हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लव इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। सो ये कहना चाहते हैं कि बॉनविटा नहीं, लेकिन प्यार जो है वो इनकी सीक्रेट, वो इनकी एनर्जी का सीक्रेट है। ठीक है, बॉनविटा ही था ना कि हॉर्लिक्स था कुछ तो था। सो इनकी जो सीक्रेट है, इनकी एनर्जी का सीक्रेट, वो आपका प्यार है। ठीक है, ये एनर्जी है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये इंसान जो है आपसे एक्शन चाहते हैं, आपसे सब कुछ सही करना चाहते हैं, या फिर मिराकल चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।